सेमेस्टर से मैंने शुरुआत की थी, लेकिन सचिन भाई से सबसे बड़ा हाथ आप ही का था जो आप मेरे को वहाँ पे लेके गए, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और वो भी मेरे लिए सीखने के लिए थी जहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। और उसके बाद मैंने असिस्टेंट काम किया काफ़ी जगह पे, काफ़ी बड़े डायरेक्टर से ज़्यादा असिस्टेंट मैंने काम किया। अब ये फिल्म, उस फिल्म के करीब 4-5 साल बाद मैं बनाने जा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं खुश हूँ, लेकिन इसके पीछे भी जर्नी थी, काफ़ी बड़ा स्ट्रगल था। कॉन्सेप्ट बस फिल्म का यही है कि वो एक कैरेक्टर है जो कॉलेज स्टूडेंट है, और उसका एक विज़न है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, लेकिन वो नशे में इन्वॉल्व होकर अपना करियर पूरा ख़राब कर लेता है। फिर फैमिली एक स्टेप लेती है कि क्यों ना इसे नशा मुक्ति केंद्र में या रिहैब सेंटर में इसका ट्रीटमेंट कराया जाए। और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट जो रिहैब सेंटर है वहाँ पर जो कुछ होता है, जैसे कि क्या हुआ था पिछले साल, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने और दिल्ली गवर्नमेंट ने मिलकर करीब 450 रिहैब सेंटर बंद किए थे। मेरा नहीं है, रिकॉर्ड है। करीब 450 रिहैब सेंटर बंद किए थे। उनका रीज़न ये था कि रिहैब सेंटर में जो पेशेंट है उनके साथ ना बहुत मिसबिहेव किया जाता था, उनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता था वहाँ पे, और उनको मेंटल टॉर्चर किया जाता था, जिसकी वजह से काफ़ी लोग अच्छा रिहैब सेंटर से निकलने के बाद कुछ लोग सुसाइड कर लेते थे और ज़्यादा बीमार पड़ जाते थे। नशा छोड़ने के बदले वो और ज़्यादा उसको क्या नाम है करना स्टार्ट कर देते थे। हाँ कुछ ठीक भी होते थे, लेकिन मेजोरिटी यही है कि गलत बहुत होता है उन लोगों के साथ। सर मैसेज, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जिस एरिया में मैं रहता हूँ, चाहे वो मैं बॉम्बे में रहता हूँ, दिल्ली में भी रहता हूँ, आसपास में क्या देखता हूँ कि 8-10 साल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनको पता ही नहीं है कि लाइफ है क्या, और वो पता है क्या नाम है नशा कर रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, पटरियों पर बैठे बैठे बच्चे देखे मैंने, तो वो सब चीज़ें मुझे फिल्म में दिखानी है। अगर मैं बोलूँ कि मैसेज क्या है, अगर पब्लिक इस चीज़ को देख रही, और सब सबके घर की बातें हैं, अगर एक फैमिली के अंदर 7-8 लोग रह रहे हैं तो जिनसे 1-2 लोग हैं ऐसे जो नशा कर रहे हैं, तो मैसेज देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक स्क्रीन पर हम एक अच्छा सिनेमा बना के दिखा दें, अगर पब्लिक उसे मैसेज समझ रही तो ठीक है, नहीं तो इंटरटेनमेंट तो मैं बनाने जा ही रहा हूँ। सर ये फिल्म 25 अक्टूबर से मैं फ्लोर पे हूँ और अप्रैल में रिलीज़ कर रहा हूँ। हाँ कास्टिंग के लिए फिल्म में लीड में खुद कर रहा हूँ, और संजय मिश्रा जी से मेरी बात हुई फिल्म के लिए, उनका एक बहुत ही अहम रोल है, और राज बब्बर साहब से मेरी बात हुई, उनका भी एक बहुत अच्छा रोल है फिल्म के अंदर। I happened to meet him through a common friend of mine who's also just lastly made 70 hours and making the next film. So I met him and when I heard, and he was very very like interested for good music. So he told me, expressed his that Dada Jason this as a hai aur film nashe baaz usne jis ka naam bataya to maine bola ki why this kind of a name. Tab maine suna और मुझे दिखा कि वहाँ पे कुछ अच्छा म्यूज़िक हो सकता है, अच्छा म्यूज़िक, बिकॉज ही इज़ बैंकिंग म्यूज़िक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस फिल्म, ही गिव मी द रेफरेंस ऑफ सम गुड फिल्म जहाँ पे अच्छा म्यूज़िक है, तो बेटर नॉट टू लाइक लाइक टेल द नेम एक्सप्रेस नेम दैट सम हाउ ऑब्वियस हो जाता है, बट तब मैं आई गॉट इंस्पायर्ड बाई आई गॉट किक बाई द स्क्रीन प्ले एंड द स्टोरी व्हाट आई हर्ड, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू डू समथिंग गुड म्यूजिकली, टू से समथिंग म्यूजिकली। एंड रही बात, मैंने भी ये सवाल पूछा था कि वॉट इज़ द मैसेज, बट लेटर ऑन आई फेल्ट द स्क्रीन प्ले इट विल बी मैसेज, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स विल पॉप अप इन डिफरेंट डिफरेंट माइंड्स, बिकॉज साइलेंट मैसेज वेदर टू एक्सेप्ट इट और टू डिस्कार्ड इट, लाइक वेदर इट्स अ गुड पाथ टू टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी और लाइक नॉट, सो इट इज़ अप टू द इंडिविजुअल्स टू अंडरस्टैंड। बहुत सेंसिटिव मुद्दे थे, बहुत सेंसिटिव, तो संगीत भी उसी तरह का होगा, हाँ से वो
I also consider the background too. It plays a very big role. So spine, जैसे कि background हम लोग का backbone होता है, वैसे spine Yeah, there are some, it's a square meal, all kind of songs, like definitely one romantic song where the guy actually happens to fall in love, one, a song between a mother and the son, a song when in despondence, when he's like deep down in this nasha drugs and all these things, one, so one song, so the character which actually shows the character of the film, Nasha and all these things, some psychedelic trance, which is very obvious, people will be waiting to see hear that kind of a song, because film ka title se hi wo obvious hota hai. So we'll cater around all the genres of music. So what did you talk about, still want to know, have you kept someone in mind while working on that music? Yeah, I have KK in my mind, he's a good friend of mine, KK, and there's one song with Sunidhi. It is KK and Sunidhi and Shan. So these are the kind of singers we'll go for. The I mean, not necessarily we'll go for brands always, but KK is already there in a song. KK is already there. He's yet to hear them. देखिए अपने इससे मैंने क्लोजली देखा अपने वहाँ पर मैं समझ पर क्या क्या होता है, तो उसके बारे में अपने उसने विचार में रखा कि इस पर एक फिल्म बनाते रहा हम, जो आज की युवा है जो इस चीज़ में ज़्यादा वो कर रहा हूँ, तो उससे भी इस चीज़ को देखें तो वो इसे इग्नोर है आज तक के बच्चे भी ना छोटे पहले उनको ये नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, जब वो करते हैं इस चीज़ को तो उसको आदत लग जाती है बिल्कुल, और हम ये चाहेंगे हमारे बच्चे देश का जो भविष्य है वो इस चीज़ से दूर रहे और थोड़ा वो भी करें उस पर, हम नहीं करें तो देखो जी हम तो हमारे काम पर ध्यान, पब्लिक इस चीज़ को देखे तो ज़्यादा जागरूक हो। आपको लगता है कि शहरों के मुकाबले गाँव में ज़्यादा शहर में ज़्यादा है, मैं देखा कुछ वजह ये है कि शहर में थोड़ा इस चीज़ का थोड़ा गाँव में ऐसा है, गाँव में तो कोई आस पास भी देख लेते हो बच्चे को थोड़ा वो डांट सके, शहर में किसी चीज़ कोई मतलब नहीं होता, किसी का बच्चा कुछ भी कर रहा हो बस अपने से मतलब रखते हैं, गांव में चीज़ को दूर से भी दूर से कोई आस पास गाँव को भी देख लेता है, तो उसका लड़का है तो उसको भी अगर वो कर रहा होना तो उसको भी धोखा भी देता है या उसको डांट देता है, और यहाँ पर बच्चे के सामने कोई कर रहा हूँ कोई नहीं कर रहा, तो देखिए कौन कर देते हैं यहाँ पे शहर और गाँव में ये कर देते हैं।